अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अफशा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ अपनी छोटी सिस्टर के घर। छोटी सिस्टर के घर आई हूँ मैं। एक तो मेरी सिस्टर मेरे साथ है, एक मैं हूँ और एक जो छोटी सिस्टर है उसके घर पर आए हैं। और मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ना अपनी सिस्टर के घर से ही कर रही हूँ, और मैंने सोचा चलो यहीं से कर देती हूँ। और देखिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम माशाल्लाह काफ़ी सिस्टर हैं। और आप अगर पूछेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। आप तो अगर आप पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए फिर हमने यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। मेरी सिस्टर ने यहाँ पर नाश्ता लगा दिया था, और देखिए पेस्ट्री वगैरह रखी हुई है। बच्चे का बिल्कुल फेवरेट वो था, बच्चे कह रहे खा रहे थे पेस्ट्री तरबूज, और हम बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए। देखिए इसका बेटा है छोटा, और ये पकौड़ी बनाई हुई थी इसने, इतनी मज़े की पकौड़ी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब जब सब मिल जाती है ना सब सिस्टर, बहुत मज़ा आता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह हम काफ़ी सिस्टर हैं, और अभी मेरी दो सिस्टर दिल्ली से आने वाली हैं, और फिर हम और मज़ा करेंगे। फिर हम छुट्टी होती है ना, ये समर वेकेशन शुरू हो रहा है, तो छुट्टी जब होती है तो अपने बच्चों को लेकर सब अपने नानी के आते हैं, तो अब वहाँ जाएंगे। फिर हम और बहुत ज़्यादा घूमने के लिए काफ़ी जगह जाएंगे। बच्चों के साथ ना घूमना अच्छा लगता है, बच्चों को घुमा कर लाओ। तो अब बोल भी रहे थे बच्चे कि हम वहाँ चलो, वाटर पार्क चलो। और फिर उसमें हमने सोचा छोटी सिस्टर आ जाएंगी तो उनके साथ चलेंगे, उसके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चों को बच्चों के साथ ही मन लगता है। और काफ़ी सब मिलकर जाते हैं ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं हम सब, अच्छा लगता है। देखिए आइए आप भी कर लीजिए नाश्ता। ये देखिए ये ऊँट है, ये कैमल, ये इनकी दादी सौदे से लेकर आई थी, जब हज कर आई थी, बहुत अच्छा लगता है। ये पता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इस तरह बोलता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमने नाश्ता कर लिया था, और फिर उसने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर ये शीर के लिए इसने दूध चढ़ा दिया है, दूध ये दूध की क्वांटिटी है 3 किलो, और वो शीर बनाने लगी थी। और यहाँ पर देखिए फिर मैं ड्राई फ्रूट कट करने लगी थी शीर के लिए। ये देखिए काजू रखे हुए हैं, चिरौंजी रखी हुई है, और बादाम और नारियल काट रही हूँ मैं। तो ये लिए थे हमने, ये 100 ग्राम थी ऐसी, इतनी क्वांटिटी थी इनकी। और फिर यहाँ पर काट रही थी मैं, मैंने के लाओ मेरी सिस्टर काट रही थी, ये बैठी ने देखी, फिर मैंने सोचा मैं भी काट लेती हूँ। और फिर ये देखिए बिरयानी की तैयारी कर रही थी वो, बिरयानी की तो पहले भी रेसिपी वैसे दे चुकी हूँ आपको। ये उसकी मसाले हैं सब, प्याज वगैरह, और कुकर में हो रही है इतनी तैयार। और यहाँ पर देखिए शीर का रखा हुआ है, दूध बॉयल हो रहा था, ये दूध बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। और ये प्याज हरी मिर्च ये सब बिरयानी की तैयारी में थी, सब उसमें डलने थी। और देखिए यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म हमारा, और ये भी बिरयानी में डलना है। ये है खड़े मसाले और नारियल का पराठा, और ये है जायफल जावित्री, और ये इन्होंने लिया है ये 2 चम्मच थे बड़े, और ये 3 चम्मच थे नारियल पराठा, और ये जो खड़े मसाले थे 3 चम्मच थे। और यहाँ पर ना देखिए दूध में बॉयल आ चुका था, और फिर हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें चावल, जो हम ग्राइंड कर लेते हैं ना बारीक बारीक वो डाल रहे थे। और जो हम चावल डालते हैं ना तो बराबर हमें चम्मच चलाना पड़ता है, नहीं तो इसमें गुठली सी पड़ जाती है चावल की ना, वो बन जाती हैं। और फिर उसके बाद ना इसमें डाली हमने शुगर यानी कि चीनी, और जितना भी हमें मीठा रखना है हम उसी के मुताबिक इसमें चीनी डालेंगे। और अगर हमें कम लग रहा है टेस्ट करके देख लेते हैं तो और डाल सकते हैं, लेकिन हम तो ठीक ही नॉर्मल रखते हैं, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम। और ये है ड्राई फ्रूट, ये हमने कट करके ना अच्छे से वॉश कर लिए थे स्ट्रेनर में, और ये धोकर के डालने चाहिए। और ये रखा, ये भी इसमें डालना है, ये हमने थोड़ा ग्राइंड कर लिया था ये नारियल थोड़ा सा। और फिर इसमें डाल रही हूँ मैं सिवैयाँ, ये मेरी सिस्टर डाल रही थी सिवैयाँ, इसमें बारीक वाली सिवैयाँ होती है ना वो डाल देते हैं थोड़ी सी। और फिर इसमें डाल रही थी हमने ऐसे ईयर ना डाल करके, फिर इसे हमने मिक्स किया। और देखिए अभी गैस पर ही है, ये हमने चढ़ा रखा है, और फिर इसमें डाला है मैंने ग्रैंड वो कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा, और फिर ऐसे हमें इसमें स्पून चलाना है। और जैसे देखिए आप स्पून देख रहे हैं ना, तो हमें ना कम लग रहा था मीठा, तो फिर हमने और डाल दिया था इसमें थोड़ा सा
शुगर डाली थी। और एक जो चम्मच चल रहा है ना इसमें, देखिए ये ना हम चीनी की 3 किलो दूध में ना हम इसे 4-4.5 चम्मच में डाल सकते हैं, है ना। और इसे हम बराबर चलाते रहेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है। जो हमने इसमें सामान डाले हैं ना वो सब अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, पक रहे हैं, अच्छे से पकानी पड़ती है। और जब इसमें फ्लेवर आता है देखिए कितना अच्छा, मतलब टेस्ट बन रहा है फ्लेवर और बॉयल हो रहा है। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई ना इसकी थिकनेस, बढ़ती जा रही है। और ये फिर इसमें डाल रही हूँ मेरी सिस्टर ड्राई फ्रूट, ये अच्छे से वॉश कर लिए थे हमने, वॉश करके ही डालने चाहिए नहीं तो कालापन आ जाता है शीरकुरमा में। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना शीर, पकते पकते देखिए कितना कम हो चुका है दूध हमारा और बहुत अच्छी लग रही है और पक रही है। देखिए बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं इसमें, और बराबर इसमें चम्मच चलाना पड़ता है, नहीं तो ये पता है तली में जो इसका तला है उसमें लग जाती है, वो नहीं लगनी चाहिए। बस बराबर ऐसे करके इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे स्पून, और देखिए बार बार हम इसको वो भी कर रहे थे, देख रहे थे कि एक बराबर आ गया ने, देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है इसमें। और आप इसकी वो देखिए कितनी इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है ना, और इतना इतनी टेस्टी बनी थी ना ये शीर कोरमा, आपको मैं बता नहीं सकती सच्ची में। और आप भी अगर ऐसे देखिए, फिर इसके बाद ना ये हमारी शीर कोरमा बन के तैयार हो चुकी थी। और फिर इसमें हमने डाला है केवड़ा वाटर, 2 टेबल स्पून डाले हैं हमने इसमें केवड़ा वाटर, इतनी अच्छी स्मेल आती है ना और एकदम शीरकुरमे का टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर हमने डाल करके एक ऐसे चम्मच इसमें चला दिया, मिक्स कर दिया मतलब कि, और यहाँ पर बन के हो चुकी है हमारी शीर रेडी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आइए अभी खा लीजिए, अभी टेस्ट कर लीजिए हमारी शीरकुरमा, और अभी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी से जैसे मैंने दी है, इतनी अच्छी बनी थी ना, इतनी डिलीशियस लग रही थी माशाल्लाह, सबने खाई तो सबने तारीफ ही की बहुत ज़्यादा, अच्छी बनी थी बहुत बहुत ही। तो यहाँ पर करने लगे थे डिनर, और डिनर में मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई थी और शीरकुरमा बनाया था, और यहाँ पर ले कर रहे हैं हम खाना खा रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा दही डाल रहा है कर्ड, इसको इसकी फेवरेट है कर्ड, देखिए कितना डाल रहा है इसे ये नहीं पता, इतने सारे बेटे सब लेंगे। और देखिए खीरा रखा हुआ है, सैलेड और टमाटर की चटनी, आइए अभी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ।